कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत बापानी गांव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश सहित देश को भी झकझोर कर रख दिया था। वही मंगलवार को सेमराहा गांव से एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी उठी। ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से मांग की है कि दिवंगत 19 आदिवासी परिवार के लोगों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी के साथ 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए, ताकि उन्हें जीवन यापन में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दौरान डिप्टी सीएम ने तमाम मांगों पर विचार करते हुए आगे कार्रवाई के साथ ही इस पूरे घटना की सघनता से जांच कराने की बात कही। इतना नहीं दिखेंगे ये कहू, वो भगवान धन करे दादा, कहू धन करे। मैंने काल रायपुर में रहन पता चली कि घर रपी वहां ले जीती आए और यहाँ सबे जन रही ने कल रात से मैंने पंडरिया में रुके तहाले पोस्टमार्टम हो जाए थोड़ा और व्यवस्था खड़ा करेगा तहा कुकदूर मा तहा पंडर यहाँ वहां के रहन कोई घटना स्थल में वहां पानी और वहां पानी के बाद आके समर हम रात ले घर घर मिले हैं मिले सबसे आदमी का कर दिए और तो कुछ नहीं कर सके। विधि विधान जिन होने रही तेन हो गए लेकिन प्रशासन ने कहे हैं कि भाई जांच करा और का बात है वो बात कार्यवाही करा तो प्रशासन अपन जांच और कार्यवाही कर ही जिन जिन जिसे समझ में आई तेन संगे संग इलाज जेखर जेखर करना है तो रायपुर में इलाज चला थे तेरों पर आदमी खड़ा करे हैं और ऑपरेशन लगी अभी तो डॉक्टर में बात करके जिन उचित हो जाए। कवर्धा में है तो कल रात की है जाग फिर कवर्धा गए अस्पताल में ठीक है स्वस्थ है। उमन माने मुख्यमंत्री जी लभी पूरा सूचना में है दे हम तो हमार आदिवासी समाज से ही माने मुख्यमंत्री जी हमें और उल्ला सूचना देन तो फिर घर में कुछ बात भी कराए कुछ सियानन सन बात भूल सिंह वगैरह संग बात हुई मतलब सियान मन नहीं देना बात भी हुई तो जिन नहीं रही गए थे परिवार ला ऐसे 5 लाख रुपया दे करके बोले हैं और वहां जिन घायल है जिनला 50,000 रुपया ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं हैं और ये खर साथ साथ जो तेंदु पत्ता संग्राहक परिवार है तो वहां जिन नियम से है संग्राहक परिवार मन के बीमा आदि के होते तेना अलग है मामला ओला अपन विभागीय हम अलग करबो तो वो तो आर्थिक सहायता ही अलग का करबे वो अलग बात है और कोई सीएम डिप्टी सीएम उसे कुछ नहीं भैया हमारे गांव घर है हमारे परिवार है हमारे गांव घर है हमारे जिला आया है तो अभी ठाकुर टोला के ही देख के मरहा की देख के बातें है तो वो स्थिति हम सभ्य जन काल के लागे और बहुत दुख के विषय है। मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी ओमा दुख व्यक्त करे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने एवं दुख व्यक्त करे हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी हमर मुख्यमंत्री जी ओहू दुख व्यक्त करे हैं। सब लिख लिख के दुख व्यक्त करे हैं भाई बोले हैं मोर मेरे फोन दिया है कोकरो कोकरो। माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री जी ओहू दुख व्यक्त करे हैं तो बात करके पूछें भी सब बात है और अब विधायक जी है बाहर है तो उन्हों दुख व्यक्त करे हैं और अब हम तो काल के लगे थे हम अभी बातचीत कहीं है थोड़ा चर्चा हुई थे कि कुछ व्यवस्था खड़ा करेंगे और समाज के भी मुहाव कहते हैं गांव में भी कुछ ये करे के तो फिर ये है भाई जैसे सबके आदेश तैसे करबो जैसे रास्ता दिखाओ जैसे रहेंगे वो मैं नहीं है कोई बात मैंने यहाँ पर आगे भी जिन व्यवस्था खड़े हो जाए उस तरह सारा काम ला करबो हम कोई ये नहीं चाहे भवन होए टीसी होए
हैंड पंप है जो पानी पिए बात है और मुक्ति धाम के सेट वगैरह है और सब लोग में कोई बात नहीं है। जैसे आप मन कहो ऐसे बात कर दो। अब भगवान दुख के घड़ी में सब लोग संबंध देवा दिया हो और सामाजिक अभी सब दस लाख वगैरह सब काम बचे है और वह मैं जैसे समाज के आदेश हुई जैसे सब कही वैसे वह मैं बात न कर दू आगू बढ़ा।